वेटरन एक्टर धर्मेंद्र हाल ही में रिलीज हुई फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में नजर आए हैं। फिल्म में उनका और एक्ट्रेस शबाना आजमी का एक किसिंग सीन भी है। इन दिनों सोशल मीडिया सीन की काफी चर्चा हो रही है। न्यूज 18 को दिए एक इंटरव्यू में धर्मेंद्र ने इस पर बात की है। धर्मेंद्र ने कहा, सुना है कि मैंने और शबाना ने पब्लिक को सरप्राइज कर दिया है, साथ ही हमें सराहा भी गया है। मुझे लगता है कि लोग फिल्म में इस सीन को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, इसलिए इसका इम्पैक्ट काफी गहरा हुआ। आखिरी बार मैंने लाइफ इन ए मेट्रो में नफीसा अली को किस किया था, इसे भी पब्लिक ने अप्रिशिएट किया था। सीन के बारे में बात करते हुए धर्मेंद्र ने आगे कहा, जब करण ने हमें यह सीन समझाया तो हम एक्साइटेड नहीं हुए। हमने यह महसूस किया कि यह कुछ ऐसा है जिसकी इस फिल्म में डिमांड है। यह सीन फिल्म में जबरदस्ती नहीं ठूंसा गया है। साथ ही मुझे लगता है कि रोमांस की कोई एज नहीं होती। दो लोग अपनी एज की परवाह किए बिना भी किस करके एक दूसरे के प्रति अपना प्यार जता सकते हैं। यह एक बहुत ही एस्थेटिक शॉट था और इसे फिल्माने में मुझे और शबाना को कोई तकलीफ नहीं हुई। इंटरव्यू में धर्मेंद्र ने फिल्म को फैंटास्टिक बताते हुए इसके डायरेक्टर करण जौहर को भी अप्रिशिएट किया। तारीफ करते हुए उन्होंने रणवीर को टेरिफिक एक्टर बताया, वहीं आलिया को नेचुरल एक्ट्रेस कहा। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी ने रिलीज के 3 ही दिन में 46 करोड़ रुपए की कमाई की है। क्रिटिक्स और दर्शक दोनों ही इस फिल्म की सराहना कर रहे हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग समाग्राम।